तो गाइज मैं अपने सारे रजाई गद्दे वगैरह कंबल वगैरह सब रूम में रख करके आ गया हूँ। दरअसल आजकल मैं यहीं सो रहा हूँ गाइज, छत पे ही सो रहा हूँ। कमरे में काफी गर्म हो जा रहा है, वहाँ पे भी जो गाइज दरअसल पंखा था, पंखा टूट गया है, टूट चुका है परसों, तो इसलिए छत पे सोना पड़ रहा है। मतलब कुछ मतलब मच्छर वगैरह तो काटते हैं सही, लेकिन मतलब मैं गर्मी सहन नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए छत पे ही सो रहा हूँ। तो गाइज करते हैं चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग उत्तराखंड की धरती से। इस दोस्तों गाइज सुबह के 6 बज रहे हैं और मौसम देखिए कितना मस्त हो रहा है, कितना सुहाना हो रहा है। गाइज आइए आपसे कुछ बात करते हैं, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो गाइज आज एक गुड न्यूज है और आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक न्यू पर्सन से, और जो कि मेरा अपना मतलब भाई है, वो हरियाणा में जॉब करता है। तो आज वो आ रहा है, घर आ रहा है, तो मेरे को सुबह सुबह उसने कॉल की थी कि मैं रोडवेज पे हूँ स्टेशन, तो रूम कहाँ पे करके, तो मैंने उसको फोन करके बता दिया। तो अभी वो आता ही होगा, मेरे को कॉल करेगा, तो फिर जाता हूँ मैं उसको लेने के लिए। तो चलिए दिखाता हूँ, आज मिलाता हूँ आपको अपने भाई से। तो यार फाइनली भाई पहुँच चुका है और उसने मेरे को कॉल कर दी और अब मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। तो चलिए भाई, बड़ी एक्साइटमेंट है भाई से मिलने की, तो हम उसको लेके आता हूँ अभी। गाइस ये देखिए भाई पहुँच चुका है भाई से। भाई से वहाँ पर ठीक ना आने कैमरा से कतु भाई जी मेट्रो में दिल्ली। अच्छा वहाँ बैठी भी रात निकल जाने पे। तो गाइस देखिए फाइनली मतलब भाई भी पहुंच चुका है यहाँ पे रूम पे, तो फोन कर दिया था उसने मेरे को। तो देखिए अभी 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 आ रहा है, कल शाम मतलब निकला हुआ था वहां से, हरियाणा से दिल्ली से निकला हुआ था कल शाम गाड़ी में, और अभी पहुंच रहा है। लेफ्ट गया, लेफ्ट गया। तो गाइज फाइनली भाई भी आ चुका है और काफी अच्छा फील हो रहा है यार, मतलब काफी सालों बाद, और या फिर मतलब कितने मतलब काफी दिनों बाद जब कोई अपना मतलब मिलता है ना, आता है, तो मतलब काफी अच्छा लगता है। तो वैसे मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि आज भाई आ रखा है घर के, तो अभी आज तो मतलब यही रुकेगा वो, और कल फिर मतलब घर को जाना है उसने, किसी काम से आया था अपने, तो आज यहाँ पे रुकेगा तो कल घर में जाएगा, तो काफी अच्छा फील हो रहा है। और गाइस अभी देखिए मतलब सनराइज भी नहीं हो रखा है अभी, पीछे मतलब इतनी जल्दी हो गया था आज, तो अभी मैंने काफी काम वाम करना है गाइस। अभी थोड़ा नहाना भी है मैंने, तो फ्रेश होना है नहा धो करके। हे गाइस तो मस्त में नहा करके रेडी हो गया हूँ, और देखिए अभी यहाँ पे बाहर आता हूँ और पूरी धूप खिल गई है, अब यहाँ पे धूप आ गई है और मस्त तो हो गया मौसम। देखिए आप नहा के एकदम रेडी हो गया, अब तैयारी करेंगे गाइस हम ड्यूटी को जाने की। और इधर देखिए अंदर बारिश हो गया है, तो काफी 8-10 घंटे का रास्ता मतलब सफर जो हरियाणा से यहाँ का तय किया होगा, उसमें थक गया होगा तो सो गया है, और ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है अभी हमारा, नहा के मैं आ गया फिर। और ये गोपाल भाई देखिए यहाँ पे अभी दाल भात बना रहे थे गोपाल भाई ने, तो गोपाल भाई दाल बना रहे हैं, तो हम लोग निकलेंगे ड्यूटी के लिए। गोपाल भाई का अभी 1 घंटे के बाद है टाइम, गोपाल भाई दाल बढ़िया बनाना एकदम, तो मस्त होनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया होनी चाहिए एकदम। सो गए जब मस्त शॉप में आ गए हैं, और शॉप में आने के बाद बढ़िया काम वाम भी हो गया है सब सुबह का, और शॉप खोल दी हमने, ओपन कर दी। तो गाइज आज चाय पीने नहीं जाएंगे हम, चाय हमने नहीं पी क्योंकि अंकल आज छुट्टी पे हैं, सैटरडे के दिन वो छुट्टी पे रहते हैं, तो काम वाम सब हो गया है, चाय वाय नहीं पी हमने। तो अभी हमारा लंच टाइम हो रखा है, हम जाते हैं खाना खाने के लिए, तो मिलते हैं उसके बाद आपको। तो गाइज मैं आ गया हूँ अभी खाना खाने के लिए, और देखिए अभी मस्त एकदम चने की दाल बना रखी है और चावल बना रखे हैं, तो खाना खा लेता हूँ पहले, उसके बाद मिलता हूँ आपको, फिर सीधे शॉप में मिलता हूँ, शाम को मिलता हूँ आपको। सो गाइज फाइनली मैं शॉप के अंदर आ चुका हूँ खाना खा करके मस्त,
और गैस मतलब गर्मी इतनी हो रही है अभी के टाइम में, अभी 2 बज रहे हैं तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब पसीने निकल रहे हैं गर्मी के मारे। और अभी देखिए ऊपर पंखा चला रखा है तो मैं पंखे के नीचे बैठता हूँ, मोहित भाई पहले पहुँच चुके थे यहाँ पे और मैं अभी आ रहा हूँ। तो चलिए गैस अभी थोड़ी देर में पंखे के पास में बैठता हूँ और थोड़े काम करते हैं आपको। तो गैस फाइनली अभी हमारी चाय आ चुकी है और अभी टी ब्रेक हो रखा है। देखिए मोहित भाई चाय लेने के लिए गए थे और ये देखिए 3 गिलास, और प्रेम भाई है और मोहित भाई है, मैं हूँ। और देखिए गाइस मस्त करके पंखे की हवा के नीचे हम बैठे हुए हैं और बढ़िया करके चाय पियेंगे आप, गर्मा गर्म चाय बिल्कुल। और मोहित भाई को समोसे में आते लेकिन समोसे मिले नहीं, लेकिन हम अभी चाय पीते हैं। तो गाइस एक पोपट हो गया है यहाँ पे और चाय वाले भैया ने जो चाय के गिलास दिए थे उनमें से एक गिलास फटा हुआ है, उसमें छेद है तो चाय गिर गई यहाँ पे। तो देखते हैं हम जुगाड़ देखते हैं मतलब चाय निकालने के लिए। सो हेलो गाइस, मेरे पास है 5 रुपए फिलहाल, मैं जा रहा हूँ यहाँ से बिस्किट लेने। ये भाई साहब तो खर्च नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, समोसे वहाँ पे मिले नहीं तो मोहित भाई से अभी बिस्किट मंगाने वहाँ से। मैं अपने लिए खुद ला रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ। ये वीडियो बन दी आपकी भी बनेगी एक। तो भैया दे रहे हैं हमें ये टाइगर वाला बिस्किट, तो हमने टाइगर वाला बिस्किट ले लिया। और आपका वो गिलास होगा चाय पीने वाला फट गया तो एक डिस्पोजल ही मांग लिया भैया ने, हेल्प कर दी हमारी। जो मोहित भाई आ गए हैं दुकान में से और देखिए यहाँ पे एक मतलब बिस्किट भी लेकर के आ रखे टाइगर वाला, और अपने एक गिलास भी ला गए। जहाँ पहले चाय लेने के लिए गए थे वहाँ पे भैया ने गिलास दी थी लेकिन वो फटी हुई थी, छेद था उसमें, डाल दी मतलब चाय गिरी थी। अभी गिलास भी ला गया, अब देखिए हम चाय पीते हैं बढ़िया करके, फिर मिलते हैं उसके बाद। गाइस हम शॉप से अभी निकल के आ गए हैं और अभी भाई लोग आ रखे थे, मेरा भाई और योगेश भाई भी आ रखे हैं रूम में। तो मैं और मोहित भाई यहाँ पे चिकन लेने के लिए आए थे लेकिन शॉप बंद है, और अभी आप देख रहे हैं दूसरी जगह पे, चलिए देखते हैं कहीं दूसरी जगह पे मिलता है। तो जो जहाँ से हम लाते थे वहाँ पे तो बंद है अभी। टेम्पो को भरवाऊंगा, टेम्पो छोड़ यार, भाई को भरवाऊंगा। और अभी हम काफी दूर आ गए हैं यहाँ पे लाल जान में, लेकिन टेम्पो वाले भैया को हम वेट देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई टेम्पो वाले भैया, ये मोहित भाई, मोहित भाई और मैं आए थे और आगे से आ गए हैं। अच्छा नहीं मिला यार, मच्छा यहाँ पे मछली नहीं मिली हमको गाइस। तो यही हमको मिल गए टेम्पो वाले भैया और हम यहाँ से आप बैठ करके जा रहे हैं। आते वक्त तो हम पैदल आ रखे थे लेकिन जाते समय अभी हम जा रहे हैं टेम्पो में बैठ के। देखिए कितना अंधेरा हो गया है बाहर को। तो गाइस हम लोग अभी रूम पे आ गए हैं और हमको कहीं भी फिश की शॉप नहीं मिली, तो फिर भाई लोग ने बोल दिया था कि अंडे ले आऊँ करके, तो हम अंडे ले आए। अभी फिलहाल इसको उबालने के लिए डाल रखे हमने, और यहाँ पे देखिए दूसरे कुकर में पानी रख रखा है और बिगदा बना रहे चावल, उसके बाद फिर बनाते हैं हम अंडे। तो गाइस फाइनली मस्त खाना पीना हो गया है और सबने भाई लोगों ने भी सबने खा लिया है, तो अब जा करके वीडियो एंड करने का भी टाइम आ गया है। और सारे भाई लोग तो सो गए, अभी मैं भी मतलब सोता हूँ अब। तो गाइस अब वीडियो एंड करता हूँ और आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आए कभी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जी बस है बात ही क्या पूछा तुझे।
मुर्गे छो और बकोर छो मुर्गे बड़ा रहा और लाभ आप क्या कर रहे हो अंडे लिए वरना